दोस्तों हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक माने जाने वाले दशहरा या फिर कहें विजयदशमी का पावन पर्व पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देश के कोने कोने पर बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण को जलाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आपको रामायण के इस प्रमुख पात्र से जुड़े अमेजिंग फैक्ट के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं यहाँ के रावण को दशानंद क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कि तमाम बुराइयों के बाद भी लंकापल्ली रावण में कई ऐसी खूबियां भी थी जो आज भी लोगों को सीख देती है? आइए रावण से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं। रावण भगवान शिव का परम भक्त था जिसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए 10 बार सिर काटकर चढ़ाया था, लेकिन हर बार भगवान शिव की कृपा से उसका सिर वापस जुड़ गया। तब से उसे दशानन कहा जाने लगा। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए तीर के बाद जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास सीख लेने के लिए भेजा था। तब रावण ने मरते समय लक्ष्मण को बताया कि जीवन में किसी भी शुभ कार्य को कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर डालिए, उसमें भूल कर भी देरी नहीं करनी चाहिए। क्या आपको रामायण के इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में पहले से पता था? कमेंट से कम जरूर लिखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हैप्पी दशहरा।